गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आंवले की छुंदा या आंवले की लोजी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है ये, और आप सबको पता ही है कि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। और आजकल आंवले जो हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, आंवलों का सीजन है, तो इस समय आप आंवले की कोई सी भी आंवले का मुरब्बा या आंवले की छुंदे या आंवले का जैम कुछ भी बना करके रख सकते हैं और इसे साल भर इंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं यही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एटलीस्ट 2-3 मिनट वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना फुल सपोर्ट मुझे दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सभी को पता है कि आंवले बहुत ही यूजफुल होते हैं स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो के करीब आंवले, और आंवले हो सके तो इसके लिए थोड़े से इस तरह के लें, और देखिए इस तरह के आंवले लें तो, और जो भी ख़राब है तो वो मैंने चाकू से निकाल दिया है। तो इस तरह से आप ले लें छील करके, मतलब अच्छे होने चाहिए, फ्रेश लिया है बड़े बर्तन में। और इस तरह की मैंने छन्नी ले ली है, जो कि किसी भी आपके भगोने या उस पर पीटा है, आप चाहे तो आटे वाली छन्नी भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब पानी अब गर्म हो जाएगा, उबाल आने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे अपने आंवले। तो सुंदर बनेगा इसका, और बहुत ज़्यादा हम स्टीम नहीं करेंगे अब इसको, और बस हम 5 मिनट के करीब स्टीम करेंगे। मेरे आंवले थे तो थोड़े से वैसे हो रहे थे, तो मैंने अलग से डाल दिए थे ये, तो इन्हें मैं सब्जी के काम में ले लूँगी। और देखिए इस तरह के आंवले हो गए हैं ये, आप देख सकते हैं। बस चाकू से हम देखेंगे तो इतना सा चाकू लगना चाहिए, बस हल्का सा, मतलब अध पके से। तो बस इस तरह के हमें चाहिए इसके लिए, और हम अब गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारे आंवले जो है हमने उबाल लिए और ठंडे हो गए हैं। तो मैं छुंदा जो है 1/2 किलो आंवले का ही बनाऊंगी, 1/2 किलो आंवला बचा दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आंवले को कस लिया है, ये सारा आंवला हमारा निकल गया है, और देखिए इस तरह के इसके लच्छा सा बन गया है। और यहाँ पर डाल देंगे हम, अभी हम गैस को ऑफ ही रहने देंगे, और यहाँ डाल देंगे। मैंने गैस को ना ऑफ कर रखा है अभी, बस थोड़ा सा गीला हो रहा था तो इसलिए सुखाया है उसे। और यहाँ पे हमने डाल दिया सारा आंवला अपना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें जो भी कढ़ाई यूज करेंगे वो पीतल की नहीं होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए, और तांबा भी नहीं होना चाहिए। और इसमें डाल देंगे हम, ये 1/2 किलो हमारा आंवला है तो इसमें 1/2 किलो ही हम डाल देंगे गुड़। गुड़ को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, और इसको हम डाल देंगे हाथ के हाथ इसमें, अभी थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। पानी का यूज नहीं करेंगे इसमें। और ये देखिए अब थोड़ी देर में ही अपने आप मेल्ट होने लगेगा, क्योंकि आंवला थोड़ा सा जूसी होता है, और देखिए कसने के बाद काफ़ी जूसी सा हो रहा है। तो जबकि हमने पानी का यूज़ नहीं करा इसमें बिल्कुल भी अब, और पानी का यूज करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। आप चाहे तो बहुत बारीक करके भी गुड़ डाल सकते हैं। ये गुड़ हमने अच्छा वाला गुड़ लिया था, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो आप कोई सा भी गुड़ यूज कर सकते हैं। बट केमिकल वाला जो गुड़ होता है उससे क्या होगा कि थोड़ा सा कलर लाइट आएगा, और जो हमने केमिकल फ्री गुड़ लिया है ये, तो इससे लोज का कलर थोड़ा डार्क आएगा, लेकिन टेस्ट में कोई अंतर नहीं होने का। तो आप कोई सा भी गुड़ यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अब यहाँ हम फ्लेम को कर देंगे अब ऑन गैस को, और इसे पकाएंगे थोड़ी सी देर बिल्कुल। अभी हम यहाँ लो करेंगे फ्लेम को, और लो फ्लेम पर इसको, ये तो देखिए इसने खुद ही कितना सारा पानी छोड़ दिया है, और अब इसे पकाना। अब मैं फ्लेम को यहाँ मीडियम कर दूंगी, थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून हल्दी। तो एक तो ये हल्दी हेल्दी होती है, और अच्छा इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा, चाहे हल्दी का यूज ना करें लेकिन डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कलर के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। अब इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने के बाद बाकी मसाले हम ऐड करेंगे इसमें। तो अभी हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं, और इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम करके लगातार चलाते हुए पकाएंगे। काफ़ी पक चुका है, गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया था, और 5-10 मिनट लग गए इसको, कम से कम 10 मिनट लग गए हैं इसे
इस कंसिस्टेंसी पर आने पर। लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर दो मिनट के लिए यहाँ डालेंगे हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करा है, और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से मिर्च का यूज़ करें। 1/4 टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टेबल स्पून डालेंगे ब्लैक चिली, ये काली मिर्च है, दलदरी कुटी हुई है, बहुत बारीक नहीं है, इसे दलदरा कुट करके डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टेबल स्पून डालेंगे नमक, बढ़िया फ्लेवर देने के लिए डालेंगे इसको। इसमें 8 हरी इलायची को हमने दलदरा कूट लिया है, इससे बहुत बढ़िया केक फ्लेवर आएगा। इसमें इन सबको मिक्स कर देंगे, और अब देखिए हमारी लोजी तैयार है। बस एक चीज़ की कमी रह गई है इसमें, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे अभी, और देख लेते हैं कि हमारी लोजी पक गई है कि नहीं। तो इसका क्या तरीका है चेक करने का, तो हम दिखाते हैं आपको। आप इस तरह से लीजिए इसको, और आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी टपक रहा है थोड़ा सा, तो ये पानी जितना रह गया ना ये हमें पूरा सुखाना पड़ेगा। ये जितना रह रहा है ना पानी, थोड़ा सा हम सुखाएंगे इसको चलाते हुए, और बिल्कुल जो इसकी चाशनी है ना गुड़ की, इसमें बिल्कुल चिपक जानी चाहिए, और ये पानी नहीं गिरना चाहिए भून सा, तो ये परफेक्ट तभी बन पाएगी। अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ देंगे इसको तो ये खराब हो जाएगी तो बहुत साल तक। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में हम डालेंगे ये एक नींबू का रस है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, क्योंकि आमला थोड़ा सा कसेला होता है, तो हम यहाँ नींबू का रस का यूज़ कर रहे हैं। तो छान करके दिया है इसके, तो कसेलापन कुछ कम हो जाता है नींबू का रस डालने से, और टेस्ट भी बढ़िया आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारी लोज अब तैयार हो चुकी है, क्योंकि नींबू का रस डाला है, तो अब पूरी कंसिस्टेंसी पर लाने के लिए हमें इसे एक दो मिनट और पकाना पड़ेगा, ताकि इसे पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चाहे इसे कितने भी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए अभी हमारा बन चुका है, हमारी लोज बन करके तैयार हो गई है, और देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं से कोई पानी नहीं टपक रहा है इसका, पूरी की पूरी लोज अच्छे से चिपक गया है इसमें गुड़, अब पानी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं रही इसमें, चाशनी गाढ़ी हो गई को। और अब इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ठंडा होकर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बस हम इसी कंसिस्टेंसी पर इसको रहने देंगे, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारा आमले का बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार खट्टा मीठा आमले की लोज छुंदा है, और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है, और देखते ही अच्छे खासा मुंह में पानी आ रहा है, बहुत टेस्टी बना है, कितना टेस्टी छुंदा बना है। और ये एक साल तक भी क्या, ये 5 साल तक भी खराब नहीं होने का, ये इतना टेस्टी छुंदा है, टेस्टी लोज बनी है, और बहुत फायदेमंद है। सुबह एक चम्मच रोज खाएं इसे, जैसे आप मुरब्बा खाते हैं उसी तरह से इसे एक चम्मच आप खा सकते हैं बिना किसी चीज के भी खाली, और चाहे तो आप बच्चों को दें ब्रेड लगाकर, ब्रेड में या रोटी पे लगाकर। तो प्लीज यदि आपको ये आमले की लोज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।